एक समय जम्मू शहर की खूबसूरती बयां करती जम्मू की नहरों की किस तरह की हालत है वो हम आपको लगातार खबरों में दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको नई बस्ती में दिखाया था वहाँ की नहर के क्या सूरत हाल थे। आज हम तालाब तिलों में हैं। तालाब तिलों में ये मुख्य नहर जो गुजर रही है इसके क्या सूरत हाल हैं और इसकी ये कंडीशन जो अभी फ़िलहाल में है इसका मेन कारण क्या है और स्थानीय लोगों को क्या कुछ दिक्कतें आती हैं जब ये नहर एक नाले का रूप ले लेती है, उनसे बात करेंगे और कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे जानने का कि क्या अल्टरनेट है, क्या सोल्यूशन है जिसे नहर साफ़ रहे और जो इसको गंदा करते हैं उनके लिए किस तरह का दंड जो है वो होना चाहिए। बात लोगों से करेंगे और बात जो कॉरपोरेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी करेंगे कि वो क्या कहते हैं नहरों की गंदगी को लेकर। इसकी जो दुर्गति का कारण आप क्या समझते हैं सर जी? कोई टाइम था, हमें याद है कि बचपन में हम यहाँ पे नहाते थे, यहाँ का पानी पीते थे और इतनी स्वच्छता थी, इतना क्लीन था बिल्कुल। लेकिन अब तो मोदी का अभियान भी चल रहा है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, पर यहाँ पे आप देखो इसकी हालत देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें इतना डर लगता है बच्चे यहाँ पे भेजने में, यहाँ से लेडीज़ बच्चे यहाँ पे रोज़ स्कूल के, मतलब यहाँ पे स्कूल हैं 3-4, यहाँ से रोज़ गुजरना होता है, स्कूल है, हॉस्पिटल है पास में, BN हॉस्पिटल है। तो आप देख लो ये पोजीशन है ना, तो यहाँ पे कोई सफाई करने आता है। अभी मुश्किल से मुझे कह रहा हूँ 4-5 महीने के बाद ना म्यूनसिपालिटी वालों ने 4 बंदे आए थे, उन्होंने ऊपर से फॉर्मेलिटी की, अब पता नहीं कितनी ग्रांट उन्होंने ली है या कितना किया है, बट आप स्थिति देख लो यहाँ पे कुछ भी मतलब वो नहीं है, कोई सफाई नहीं है। आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे पूरा गंद पड़ा हुआ है। हमें अपने बच्चे बाहर भी, हम एक टाइम था हम यहाँ पे 1-1 घंटा 2-2 घंटे यहाँ पे बैठते थे शाम के समय, जब गर्मियाँ गर्मियों के लिए हमारे लिए ये एक किस्म का अमृत की तरह थी, हमारी बहुत अच्छी, हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाती थी नहर पे। हमें किसी काम के लिए पानी चाहिए होता था, पीने के लिए नहीं तो चलो कम से कम फूलों के लिए, खेती के लिए या कोई पेड़ पौधे लगाते थे तो ये पानी हम यूज़ करते थे। लेकिन आज देखो इसकी हालत ये है कि यहाँ पे खड़े होना मुश्किल है, मच्छर है, कीट है, कीड़े मकोड़े हैं और तो और चूहे सांप का भी बहुत डर है यहाँ पे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवली सिंह। लवली जी मुझे बताइए, क्योंकि जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए काफ़ी जो है फोकस किया जा रहा है, कई जगह काम चल भी रहे हैं, नहरें जब तक शहर की साफ़ नहीं होंगी तब तक एक बड़ा संदेश नहीं जाएगा, कैसे समझते हैं कि किस तरह साफ होगी? ये जो स्मार्ट वाला है ना, स्मार्ट जम्मू वाला, ये कागज़ों में ही हमें दिखता है, अखबारों में पढ़ते हैं ऐसा हो जाएगा ऐसा ये हो जाएगा। अब यही हालत देखी है हमारी नहर की, इतनी शाम को इतनी दिक्कत हो जाती है ना इधर, तो आप देख सकते हैं मतलब गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए भाई। ठीक है बीमारियाँ भी फैलती हैं, गंदगी रहेगी तो कुदरती बात है कि बीमारियाँ भी फैलेंगी, ठीक है ना। मलबा बहुत है, ये मलबा आखिरकार आता कहाँ से है, क्या इसको निकाल? जब इन्होंने नहर से, बड़ी नहर से इन्होंने पानी छोड़ना होता है ना, तो 2-4 दिन वैसे फॉर्मेलिटी करते हैं, JCB ले आएंगे थोड़ा सा निकालेंगे तो फटाफट ऊपर से मतलब के कर देंगे तो बस हो गया जी, सफाई होगी नहर की बस। अभी हालत देखिए क्या हालत है, ये ऐसे ही रहेगा अप्रैल तक, मेरे ख्याल मार्च या अप्रैल तक ऐसे ही रहेगी हाल से। मतलब इलाके के नाले शायद इससे साफ होंगे मुझे लग रहा है। नहीं कह सकते हैं, मतलब नहर की बड़ी बुरी हालत है, मतलब देख सकते हैं आप, मतलब खुद भी आए हैं इधर आप, ठीक है ना। आपको लगता है इस तरह कुछ खास ध्यान देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन? ये जी ध्यान देना चाहिए, सफाई रखनी सबसे अच्छी बात, ये करनी चाहिए या पक्की कर दें इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। सफाई जो है हमें यही है कि सफाई साथ साथ होनी चाहिए, शाम को बड़ी दिक्कत होती है, मच्छर वगैरह काफ़ी हो जाता है, बड़ी दिक्कत तो होती है। उसमें कचरा फेंकते हैं उन पर जब तक कुछ हार्ड पेनल्टी वगैरह नहीं लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए भी, इस चीज़ का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, जुर्माना लगना चाहिए जो लोग फेंकते हैं उनको जुर्माना लगना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लीला राय। लीला जी ये नहर अगर हम एक्चुअल अभी देख रहे हैं जो ये समय तो गंदे नाले से भी इसकी ख़राब हालत है, इसकी सफाई कितनी कितनी देर के बाद होती है? साल में एक बार होती है, वो भी नाम के लिए। अभी इसकी अगर हम गहराई की बात करें, इसकी एक्चुअल गहराई कितनी है? एक्चुअल गहराई इसकी 4 फुट है। अभी तो ये इतना मलबा भरा हुआ है तो ये निकालते भी हैं या अभी? क्योंकि कोई नहीं निकालता मलबा, शाला कुछ नहीं निकालते, खाली नाम के लिए रखी है बस। वजह क्या है इसकी इतनी गंदी होने का, क्या कारण क्या समझते हैं? बस लोगों ने अपनी नालियाँ रखी हैं, कूड़ा सब इसी में डालते हैं। मतलब जो गलियों की नालियाँ हैं वो इसमें डब डालती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शुरुआत से ही है अभी इसमें डालना शुरू हुआ है? कुछ पहले तो कम थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जब ये काम म्यूनसिपलिटी वाले करते हैं लोग मना नहीं करते कि आप नहरों में नालियां फेंक डाल रहे हैं? वो तो म्यूनसिपलिटी तो बहुत मना करते हैं पर पब्लिक मानती ही नहीं है, क्या करेंगे। अभी तो 1 महीना रह गया ना इसको शुरू होने में, तो अभी तक इसकी सफाई नहीं हुई है, तो आपको लगता है ये प्रॉपरली करेंगे इसकी सफाई? अब कुछ कह नहीं सकते, ऑर्डर तो निकलते रहते हैं, अब तो गवर्नमेंट जाने की वजह से दिक्कत तो आती होगी काम कर, इतनी स्मेल है, इतनी बैठा नहीं जाता है, निकलना बैठना भी बड़ा मुश्किल है। कचरा कूड़ा लिफाफे वगैरह ये क्या लोग ही फेंकते हैं यहाँ पर या कौन? हाँ पब्लिक का ही है, लोकल लोकल जी।
मेरे साथ वार्ड नंबर 31 के काउंसलर हैं सुचा सिंह जी। सुचा जी, क्योंकि नहरें जब चलती हैं तब तो ठीक है, पानी कचरा ले जाता है खींच के, लेकिन जब नहरें हमारी सूखी होती हैं ख़ास तौर पे, उस समय वो नाले से भी ज़्यादा ख़राब उसकी हालत होती है, जैसे आप पीछे देख ही रहे हो। वजह क्या है इसको, ये साफ़ क्यों नहीं रहती है और लोग भी इसमें कचरा फेंकते हैं और ना ही म्यूनसिपलिटी से और ध्यान देती है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। हमने इस नहर को डस्टबिन बना कर छोड़ा है। मैं देखता हूँ जो भी पूजा की सामग्री होती है लोग इस गंदे पानी में फेंकते हैं। अब हम दो दिन दिन पहले दिल्ली गए थे, कल ही दिल्ली से लौटे हैं। हमने वहाँ पर देखा है कि जो दिल्ली की कॉरपोरेशन है वो क्या करती है कि जो पूजा की सामग्री होती है उसके लिए उन्होंने अलग अलग डस्टबिन बनाए हैं, रखे हैं। लोग पूजा की सामग्री का सामान उसमें डाल जाते हैं, बाद में उसको रिसाइकिल किया जाता है, उसकी धूप बत्ती भी बनाई जाती है। उसी तर्ज पे हम जम्मू में भी ये लाने जा रहे हैं वो स्कीम। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है स्वच्छ भारत, तो मेयर साहब कहते हैं हंसता हुआ जम्मू, खिलता हुआ जम्मू, मुस्कुराता हुआ जम्मू, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू, पर जम्मू की जनता इनके कान तक जूं तक नहीं रेंगती। जब तक ये लोग खुद नहीं सफाई का ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा? परसेंटेज अगर हम देखें तो शायद हो सकता है कि 40% पूजा की सामग्री हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो घरों का कचरा, जो रास्ते में सड़क में लोग सड़क यूज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी कचरा इसमें जाता है। तो अल्टरनेट क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका कि जब ये पानी रुका है तो ये साफ़ रहे, इसको कंटिन्यू क्या म्यूनसिपलिटी इसको टाइमली साफ़ नहीं करती? ये म्यूनसिपलिटी का काम नहीं है, ये इरीगेशन का काम होता है। इरीगेशन वाले ये जो कैनाल होती हैं ये उनके अंडर आती हैं, और आगे हमें मजबूर होकर सख्ती करनी पड़ेगी। जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे लोगों पे, फिर लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं, हम जीते हुए नुमाइंदे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारा काम है लोगों को साफ़ सुथरा शहर बना के देना, साफ़ सुथरी वार्ड बना के देनी, लेकिन जब तक लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे। लोग, आपने बोला ना घर का कचरा, जो लोग मकान बनाते हैं या मकान रिपेयर कराते हैं उसका कचरा भी रात को इसमें डाल जाते हैं। अब थोड़े ही दिनों के बाद स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है हमारे जम्मू में, आपने देखा कुछ जगह तो शुरू हुआ है, जैसे रिवर तभी रिवर फ्रंट का काम लगा है। उसी तर्ज पे इसकी भी साइडें हैं जो पक्की होंगी नहर की, और इनमें पेड़ लगाए जाएंगे, ग्रीन किया जाएगा इसको, तो कैमरे लगाए जाएंगे, जो लोग भी इसमें कचरा फेंकेंगे उनका चालान काट के उनके घर पहुंच जाएगा। ऊपर वाला जाने के बीच में क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से हर बार लेट हो जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था जब हम छोटे थे 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल को बैसाखी आती थी और बैसाखी का मेला लगता था, उससे पहले सारी नहरें साफ़ हो जाती थी। आजकल उल्टा हो गया, नहर आने के बाद सफाई करते हैं, उसमें एक फॉर्मेलिटी की जाती है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, हमने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी हुई है, और अगर हमारा हाउस लगेगा शायद इसी महीने में, हम उसमें भी ये डिमांड रखेंगे ज़ोर शोर से और नहर को जल्दी से जल्दी साफ़ कराएँगे। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ये आपका अपना शहर है, इसको अपना शहर समझें, अपना घर समझें। जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत उम्दा बात कही इन्होंने, और साफ तौर पर ये जो कनाल है ये वार्ड नंबर 31, 30 और कई अन्य वार्ड से गुजरते हुए ये आगे ग्रामीण इलाकों की तरफ चली जाती है, लेकिन बात यही है कि शहर के नालों से भी गंदी हालत नहरों की होती है उस समय, जिस समय इसमें पानी नहीं होता। तो इसका जिम्मेवार है कौन? हम लोग ही हैं जो कि अनदेखी करते हैं और अपने घर तो साफ़ रखते हैं, लेकिन बाहर की हमारी ये जो नहरें हैं जो कि बिल्कुल एक समय में इनमें लोग नहाते थे, बच्चे नहाते थे और लोग इसके किनारे आके बैठते थे, लेकिन आज के समय में शायद ही कोई इसके पानी को जो है वो इस्तेमाल करने का जो है वो प्रयास करता हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर विभागों की भी है, इसमें GMC का भी बहुत बड़ा रोल है, इरीगेशन डिपार्टमेंट का भी है, कहीं ना कहीं नाकामयाबी भी है, जो नहरें साफ़ नहीं हो पाती हैं और शहर की एक गंदी शक्ल इस तरह से जो है वो सामने देखने को आती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।